उसी तरह बैठ जाए, हुजूर के बिला हम दुआ फरमाएंगे। खुदा उन करीम को मान लेता है, दुनिया उसको खुद मांगी। जौन से आदमी खुदा का मोहब्बत करते हैं, मखलूकात उसके साथ खुद मोहब्बत करते हैं। खुदा उन करीम के मानने वाले का दुनिया का इज्जत ही है, उसके कब्र का भी इज्जत होती है, आजाद की इज्जत कहमत के दिन भी उसकी इज्जत होती है। जिसके साथ खुदा होता है तो खुदा उन करीम दुनिया का खुदा नहीं होता, कहमत तक उसके साथ होते अगर खुदा को जिसने मान लिया। और खुदा के मानने से उसके जिंदगी भी खुदा के रस्ते में हो और मौत भी उसको पसंद हो खुदा के रस्ते में। अगर खुदा को जिसने मान लिया तो वो दुनिया की तरह पीट करके खुदा की तरह मुंह करके जिंदगी उसकी गुजरती है। और कोई चीज न दे वो देता है किसके लिए, खुदा वास्ते। कोई दुख भी करता है वो लोगों के साथ अच्छाई करता है। और लोग गुनाह की तरह दौड़े, गुनाह के सामने गुनाह की तरह पीट करे, खुदा की तरह मुंह तभी हो जाए। और सलमान का इज्जत सलाम की मोहब्बत है। हजरत बिलाल साहब का मक्के शरीफ में मस्जिद भी है, मक्के शरीफ बिलाल दरवाजा भी है। और अबू जहल ने सलाम के वो साहिब किया, उसके घर में अभी तरह काजी लोग कटी पेशाब करते। वो जमीन को भी खुदा माफी नहीं देता है जिसने रसूल अलैहिस्सलाम के साथ गुस्ताखी किया। और शाम के इलाके में उसका ज़ियारत भी है, हर दिन मवाद आदमी का ख्याल होता है जिसके नजदीक कब्र का जगह मिले। तो मुसलमान का इज्जत रसूल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है, बाकी सबको ये आदमी हासिल कर सकते हैं। और ये रसूल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत तबीदारी से खुदा भी मिल सकता है और खुदा उसकी इमदाद भी कर सकता है। जिसने खुदा को मान लिया रसूल अलैहिस्सलाम के तबीदारी से खुदा करीम के नजदीक आ भी जा सकते हैं। ऐसा शैतान का यही ख्याल है कि मैं खुदा को मानता भी हूँ, इलम भी रखता हूँ, डरता भी हूँ और खुदा के मुकाबले में और किसी को नहीं मानता हूँ, वो खुदा उस पर नाराज है। शैतान का यही ख्याल है कि मैं सिर्फ खुदा को मानता हूँ, खुदा करीम का हुक्म है जादम अलैहिस्सलाम बोली मेरी तबीयत नहीं मानते खुदा के। अगर मिसाल खुदा की सिर्फ बात हो तो फिर शैतान मेरे ख्याल है बाकी आगे हो बाकी उसके पीछे है। खुदा के मानने से खुदा करीम को जादू मान लेता है, उसके साथ उसके दुनिया भी इज्जत है, उसकी कब्र का भी इज्जत है। और कई लोगों का जब खुदा करीम के मानने वाले को दावा करते हैं छह महीने से उसका कब्र का भी पता नहीं रहता, जो उसका कब्र के साथ जिसके साथ खुदा हो खुदा करीम उसके दुनिया में कब्र का भी इज्जत होता है। हजार साल गुजरे फिर उसके बाद कब्र का भी इज्जत, खुदा करीम जैसा हमेशा है, खुदा करीम उसके साथ दुनिया